खरगोन शहर के अनुविभागीय कार्यालय के सामने भारतीय किसान संघ ने सरकार की नीतियों के विरोध में मोर्चा खोला और एक दिवसीय धरना देकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम आपको बता दें कि किसान अधिकार पक्ष में लागत आधार पर लाभकारी मूल्य की बात को लेकर किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसानों ने बताया कि सूखा घोषित होने के बावजूद सोसाइटी द्वारा ऋण वसूली और संपत्ति कुर्क करने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि किसानों के हालात खस्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान संघ का राष्ट्रव्यापी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर ज्ञापन है और इसी कड़ी में आज जिले की 10 तहसीलों पर मुख्यालय पर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ पर है, क्योंकि बहुत कुछ छोटी तहसील की भी समस्याएं हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारी खरगोन तहसील खास करके जो 45 पंचायत है सूखाग्रस्त घोषित है और आज इस शासन का दोहरा रवैया उजागर हो रहा है कि सारी सोसाइटियों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से किसानों को परेशान किया जा रहा है ऋण वसूली के लिए, यहाँ तक कि कुर्की के आदेश निकाले जा रहे हैं। और भारतीय किसान संघ इस मांग को लेकर भी आज प्रबल आंदोलन करेगा। भविष्य में यदि ऐसा ही रवैया रहा तो किसान संघ रोड पर आ जाएगा और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। क्या नाम है आपका? भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष सदाशिव पाटीदार, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।